एक बार फिर से आपको ले चलते हैं रायपुर, जहां पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे अपने सहयोगी हेमंत शर्मा से। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2019 का आगाज आज से होने जा रहा है, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे थे। हेमंत हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। हेमंत, आज देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी छत्तीसगढ़ की राजधानी में मौजूद रहेंगे, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करें? देखिए, अगर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की बात की जाए तो वो कल देर शाम रायपुर पहुंचे थे और राजभवन में उनका रात्रि विश्राम हुआ था। इसके बाद उनको एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने उड़ीसा के बलांगीर जाना था, लेकिन आज सुबह जो एलिजिबिलिटी है वो कम थी, इसके कारण उनको थोड़ा वक्त हुआ और उसके बाद वो कुछ देर बाद उड़ीसा जाएंगे। उड़ीसा से आने के बाद एक कार्यक्रम है रायपुर में अर्थव्यवस्था को लेकर, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में, रविशंकर यूनिवर्सिटी द्वारा पूरा कार्यक्रम है, उसी में शामिल होंगे। बाकी हालांकि आदिवासी नृत्य की बात की जाए तो ऐसा कोई कार्यक्रम उपराष्ट्रपति का नहीं है कि वो आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल हो। बिल्कुल, बाकी में क्योंकि हेमंत हम देख रहे हैं तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, कई कलाकारों की मौजूदगी भी हम देख रहे हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, लोग कितने उत्साह में नजर आ रहे हैं? देखिए, राज पहली बार आदिवासी नृत्य महोत्सव हो रहा है, इसलिए काफी उत्साह छत्तीसगढ़ के लोगों में है। इसके अलावा कलाकारों की बात की जाए तो अलग अलग प्रदेशों सहित 6 देशों से 1350 कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी प्रस्तुतियां 3 दिनों में देंगे। और आज की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया था कि बेलारूस, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ से 2 जो और राज्य हैं वो यहाँ पर प्रस्तुतियां देंगे। तमाम जो अतिथि रहेंगे वो उनकी प्रस्तुतियों का आनंद भी उठाएंगे। तो एक उत्साह का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है। इसके अलावा जो अन्य देश है, युगांडा जैसे देशों के जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर आए थे। पिछले 2 दिनों से लगातार आने का सिलसिला अतिथियों का चल रहा था। बिल्कुल, वाकई में क्योंकि 6 इंटरनेशनल कंट्रीज के जो कलाकार हैं वो भी पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के तमाम माकूल इंतजाम किए ही गए होंगे। पहली मरतबा छत्तीसगढ़ में इतने बड़े लेवल पे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कब से ये तैयारियां की जा रही थी और क्या कुछ खास विशेषताएं और देखने को मिल रही हैं? हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, जो जानकारी दे रहे थे कि 6 इंटरनेशनल कंट्रीज के जो कलाकार हैं वो पहुंचे हुए हैं 25 राज्यों के। भारत हमारा जो राज्य देश है उसके 25 राज्यों के कलाकार भी इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। ये देखिए हाथ हिला के किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं वो तमाम खिलाड़ी जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तमाम जो कलाकार हैं। आपको ये भी जानकारी देते चले कि पहली मर्तबा इतने बड़े लेवल पे एक कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। आदिवासियों, आपको ये भी जानकारी दें कि 3 दिवसीय ये पूरा रंगारंग कार्यक्रम रहेगा, 6 देशों सहित 25 राज्यों के आदिवासी कलाकार अपनी जो प्रस्तुति से लोगों का मन मोहेंगे। कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन साइंस कॉलेज मैदान में किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि किस तरह से जो आदिवासी परंपरा है उसको एक मंच देने की कोशिश की जा रही है, और जो परंपरा है इस मंच के माध्यम से देश और विदेश में जानी जाए। हेमंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। तो आदिवासी संस्कृति हमारी विरासत, हमारा गौरव है, और वाकई में छत्तीसगढ़िया सरकार है, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, बड़े लेवल पे इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, चर्चा लगातार जारी है। इसी बीच अगली खबर का भी रुख हम कर लेते हैं। हाँ, खबर